नाम मोहम्मद साबिर बहादुरगंज से पत्रगट्टी पंचायत दोदरा गांव। कितने सालों से चला रहे हैं होटल? तो कम से कम 20-22 साल से चला रहे हैं। दिल्ली में रह रहे कम से कम 30 साल से। 30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? 30 साल से यही होटल का ही काम? हाँ, होटल का ही काम है। पहले नौकरी करते थे, अब अपने काम कर रहे हैं। आप कितनी जिंदगी साबिर भाई बाहर ही निकल गई घर से, तो कैसा लगता है कि अगर यही कामयाबी घर पे हो पाती इलाके की तरफ तो कुछ बेहतर होता? इलाके की तरफ मजबूरी है ना, कोई नेता ने आज तक कोई विकास का काम तो किया नहीं, कोई एजुकेशन का काम तो है नहीं, तो वहाँ करेगा क्या आदमी? कोई प्रदेश में आके कोई बेचारा रिक्शा चला रहे, कोई होटल का काम कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो इसी वजह से लोग प्रदेश में अपनी ज़िंदगी को ज़्यादातर बिता रहे हैं। अपना वहाँ तो किसी चीज़ का रोज़गार नहीं है ना, रोज़गार होगा जभी तो आदमी वहाँ कोई काम डालेगा। आज की डेट में हमारा 13 गाँव के छोटे छोटे बच्चे मजबूर है होटल में काम करने के लिए, क्योंकि कोई MP या MLA कोई ध्यान दिया नहीं एजुकेशन के लिए, ना कोई हॉस्पिटल है ना कुछ है इलाके में, इसलिए नेताओं की वजह से थोड़ा बहुत परेशानी है। जो तरक्की नहीं हुआ इलाके में, जो डेवलप होनी चाहिए वो हुआ नहीं है, तो हम लोग बस मजबूरी ऐसी के तहत पे यहाँ काम हो रहा है। अब एक होटल चल रहे तो कम से कम 20-30 लोगों की रोजी रोटी चल रही है, यहीं से लोगों का अपना पालन पोषण हो रहा। दिल्ली में अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? दो नारी, इसी की वजह से ही यहाँ पड़े हुए हैं कि घर साल में जाते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होते हैं जब जाते हैं, नेता लोग हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सीमांचल के लोग कितने यहाँ बदहाली में घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, किसी चीज़ को उसको यहाँ किसी नेता ने सुविधा नहीं दिया उनको रहने के लिए, या एम्स में इलाज की हो या कहीं भी हो, बेचारे दर दर की ठोकर खाते हैं। हम लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए कि भाई आप लोग कम से कम रहने का सुविधा दीजिए बीमारों के लिए, लेकिन कुछ नहीं। जहाँ तक हम लोगों का काम होता है करते हैं इलाके के लिए, धंधा करके कुछ भी करके लोगों की इलाज कराते हैं। आप इलाके के लोगों की मदद करते हैं चंदा? जी, हम लोग तो फुल सपोर्ट में रहते हैं, मदद करते हैं लोगों के लिए, और नेता भी मदद करें हमारे साथ साथ। हम लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग नौजवान हैं इलाके के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलते। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो आज बिछड़ा है हमारा 13 गाँव से बदहाली 13, ना रोड है एक भी ना कुछ है, इसलिए नेताओं को कम से कम सबक मिलना चाहिए, सीखे मजदूर से सीखे। एक मजदूर कमा करके अपना घर बना नहीं पा रहे, और हमारा नेता 5 साल में 500 करोड़ के आदमी बन जाते हैं, BMW में घूम रहे हैं, हम लोग बिजनेस करके एक साइकिल की भी खरीदने की हैसियत नहीं है। तो तरक्की तो नेता कर रहे हैं ना, जनता तो नहीं कर रहे ना। बिजनेस में भी तो तरक्की है? हम लोग के बिजनेस में उतनी कमाई नहीं है ना। कितनी रोटी? कितना? 1.40। हम लोग की बिजनेस में इतनी मुनाफा नहीं है।